फ्रैक्शन में पढ़ाने जा रहा हूँ। ये अभी मान लो कोई भी सरफेस है, सरफेस में कोई भी ऑब्जेक्ट अभी जो रेस्ट पे है, तो इस फ्रिक्शन का कोई काम नहीं। बट अगर तुमने थोड़ा सा भी फोर्स लगाया, ये दिखाई तो दे रहा है ना क्लियर? हाँ सर। गुनगुन सर आपकी आवाज इको हो रही है। हेलो 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 हेलो, इको कैसे हो रहा है? ये दिखाई तो दे रहा है ना कायदे का, मतलब पेन से लिख रहा हूँ ना आदमी से। यस सर। तो ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें रखा हुआ है, अब हमने क्या किया, इसको खींचना स्टार्ट। ये मान लो छोटा सा फोर्स हमने लगाया, छोटे से फोर्स जैसे ही तुम लगाओगे ना, यहाँ पर एक अपोजिट में इतना ही फोर्स काम करने लगेगा, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। क्यों काम करता, जरा इसके अंदर की बात जान लो। दरअसल ये सरफेस कभी भी चिकनी हो ही नहीं सकती, ये उबड़ खाबड़ सरफेस होती है हमेशा। अब जो दूसरी सरफेस भी है वो भी उबड़ खाबड़ है, कभी प्लेन हो ही नहीं सकती, क्योंकि एटॉमिक लेवल पर जब चले जाओगे तो उसमें क्या रहता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे चले जाओगे तो उसमें हमेशा जो है कोई प्लेन थोड़ी ना होते हैं। क्यूब क्यूब के आकार के हैं, वो एक साथ रखोगे तो पूरी प्लेन सरफेस हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। जब उसको जूम करके देखोगे तो सरफेस में गड्ढे पाए जाते हैं, इन गड्ढों की वजह से ये इसमें फंसने लगता है, ये इसमें फंसने लगता है। तो हम जैसे ही इसको खींचते हैं तो ये जो है रेजिस्ट करता है इसके मोशन को, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक अपोजिट में फोर्स काम करेगा, ये होता है फ्रिक्शन। इफ यू पुश अ बुक ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, इट इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट। यानी कि अगर कोई बुक को अगर मान लो मोशन देते हैं तो थोड़ी देर बाद रेस्ट पे आ ही जाता है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। यही फ्रिक्शन ही है जो हमारी गाड़ी को रोकता है अपने आप। तो फिलहाल हमने बात करी, जैसे इसमें कोई भी फोर्स हमने लगाया तो एक अपोजिट में भी फोर्स काम करने लगता है, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। देख अब ये तो चीज पता है, अब जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे, मान लो हमने फोर्स बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, तो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ गया, अभी दोनों बराबर है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि हम फोर्स तो ज्यादा बढ़ा देते हैं लेकिन अब फ्रिक्शन फोर्स उतना बढ़ नहीं पाता है, उसकी भी एक लिमिट। इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट मोशन करने लगता है, बात समझ में? यानी कि ये जो कंडीशन होती है जिसमें फ्रिक्शन फोर्स और फोर्स इक्वल रहता है, वो कंडीशन केवल जो है रेस्ट की होती है या जस्ट बिगिन टू स्लाइड की कंडीशन, यानी कि बस फिसलने ही वाला है, यानी क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन की बात ये कहता, बात क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक। अब ये बेटा देखो, फ्रिक्शन काम कैसे करता है, किसकी वजह से काम करता है, जरा ये देख लेते हैं। ये काम करता है रिएक्शन फोर्स की वजह से। ये ऑब्जेक्ट है, मान लो इसका जो रिएक्शन फोर्स है, यानी कि हम इसको कैसे, ये सॉरी वेट है, इसको हम कहते हैं mg, नीचे की ओर काम करता है। इसका जो रिएक्शन फोर्स है वो काम कर रहा है ऊपर की ओर, ठीक है? तो जब रिएक्शन फोर्स काम करता है तो ये जितना ज्यादा रिएक्शन फोर्स होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन ये प्रोवाइड करता है। कैसे, अगर मान लो ये दोनों हवा में है, मान लो ये हवा में है ऑब्जेक्ट, सरफेस से टच ही नहीं कर रही, फ्लोट कर रही है मान लो, तो ये बताओ कोई फ्रिक्शन लगेगा क्या? लग ही नहीं सकता। मान लो मैग्नेटिक टेबल है, उसके ऊपर कोई दूसरा मैग्नेट है, ठीक है, तो वो फ्लोट करेगा, तो उसमें फ्रिक्शन किस बात का, पॉसिबल ही नहीं, जैसे स्पेस। क्लियर? तो यानी कि रिएक्शन पर जो है डिपेंड करता है, ये वाले सरफेस इस पर जितना रिएक्शन लगाएगी, जितना टाइटली ये दोनों एक दूसरे से चिपके होंगे, उतना ही इसको खिसकाने में और भी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जैसे बहुत चिकनी टेबल है तो चिकनी टेबल में हम आराम से खिसका लेते हैं, लेकिन खुरदरी टेबल में उसको खिसकाना आसान नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई है? जीने कभी भी बनते हैं तो चिकने नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है, हमेशा खुरदरे बनाए जाते हैं ताकि कोई फिसल ना जाए। क्लियर है?
क्यों? क्योंकि भाई उसमें चिकनाहट खत्म हो जाती तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। कुल मिला के रिएक्शन की बात यहाँ पर, यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे कि जो फ्रिक्शन है इसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अभी रेस्ट की बात हो रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन के, और जब रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एक कांस्टेंट हम अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं म्यू एस। ये एक फॉर्मूला बन जाता है। ये म्यू एस क्या है? म्यू एस को हम कहते हैं एफ एस बाई आर। ये म्यू एस क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक। बेटा शुभी, आज मैथ की क्लास है क्या तुम्हारी? सर को इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, अभी कल पूछा था तो वो बोल रहे थे कि आज होगी। अच्छा रुको, अभी हम जरा पूछते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बात क्लियर है? इस म्यूएस को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई? हैं? कोई दिक्कत? अब देखो इसमें बेटा तीन तरीके के फ्रिक्शन होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि हमने पढ़ लिया, यानी कि पूरी तरह ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और फिर हमें चिंता करने कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो स्टैटिक ही होगा। दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा स्टैटिक का लास्ट वैल्यू है, यानी कि लास्ट लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि जब हम फोर्स अप्लाई जो हमने किया हुआ है वो धीरे से बढ़ाते हैं, तो जब वो मूव करने वाला होता है उस कंडीशन तक का जो फ्रिक्शन होता है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बात क्लियर है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जस्ट बिगिन टू स्लाइड की जब कंडीशन बता दे तो वही चीज होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के ये पूरा, ये सब वही चीज है, एक ही चीज है, बस लिमिटिंग नाम एक अलग हो गया, वो मतलब लास्ट कंडीशन। नेक्स्ट आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन नेक्स्ट आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाता है? काइनेटिक मतलब कि जब वो चलने लगे, जब जब ऑब्जेक्ट चलने लगता है तो हमेशा जो लगाया गया फोर्स है और काइनेटिक फ्रिक्शन, इसके बीच डिफरेंस ज्यादा आ जाता है। यानी यहाँ पर एफ के जो है काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन एफ हो जाता है, ठीक है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है। यानी वंस द मोशन स्टार्ट्स द फोर्स, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेस डिक्रीजेस सो दैट a smaller force F is required to maintain uniform motion। यानी कि जब motion start हो जाता है ना तो friction की value पहले से यानी static friction से भी कम हो जाती है, तो हमें बहुत कम force लगाना होता है इसको continue करने के। जब ध्यान दिया भी होगा, जब कोई चीज start यानी कोई चीज धक्का देना होता है ज्यादा force लगाना पड़ता है, लेकिन जब एक बार चीज motion में आ जाती है फिर उतना force हमें लगाना नहीं पड़ता है। जैसे ट्रक को छह लोग अगर धक्का दे रहे हैं तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन उसके बाद फोर्स कम लगाना पड़ता है। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है ग्राफ, फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स। ये हमारा ग्राफ है, ये अप्लाइड फोर्स और ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स।
अब इस ग्राफ की स्टार्टिंग है यहाँ से, तो पहले तो स्ट्रेट जाता है, यानी कि दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। बराबर इन द सेंस मतलब ये जो एंगल है 45 बनता है, यानी कि ऑब्जेक्ट पर जितना तुम फोर्स लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता चला जाता है। कब तक? जब तक लिमिटिंग नहीं आ जाता है, यानी इसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिक रीजन। इसको हम कहेंगे स्टैटिक रीजन, स्टैटिक रीजन। इसमें जो है ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होती है फोर्स की, और यही मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। इसके बाद इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक अवे, ब्रेक अवे मतलब कि यहां पर फिर जो है वो मोशन में आ जाता है, तो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, और इसके बाद थोड़ा सा कम होके अब ये जाने लगता है, यानी कि अब ये जो हो गया ये हो जाएगा एफ के, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन का रीजन। ये हो गया, ठीक है। तो ये रीजन यहां से क्या कहलाता है? ये तो स्टैटिक यहां खत्म हो जाएगा, ये कहलाता है काइनेटिक रीजन, ये काइनेटिक रीजन कहलाता है। ये बात समझ में आ गई? इसको हम कहते हैं ग्राफ, क्लियर है? Yes, sir. अब जरा नेक्स्ट देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या रहता है। जैसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझने के लिए एक जरा डायग्राम हमें समझना होगा, कि जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे जो रिएक्शन काम कर रहा है वो इधर काम कर रहा है ऊपर, ठीक। फोर्स काम कर रहा है इधर, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है इधर, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स और इनका जो रिजल्टेंट होता है वो इधर जाता है, ये एंगल बनता है थीटा एस, यानी स्टैटिक एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहां से अगर टेन थीटा निकालोगे तो कितना आ जाता है? एफ एस बाई आर, यानी इसको हम म्यू एस ही कह देते हैं। इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बात क्लियर है? ये बात क्लियर है ना? यस सर। जरा दो मिनट रुको, जरा कोई बुला रहा है, हम जरा आते हैं जरा। हाँ भाई, सब लोग मौजूद हैं, कोई गैप तो नहीं हुआ? नहीं, नो सर। ठीक है, हम फिजिक्स की क्लास अटेंड कर ले फिर आ रहे थे। नहीं, कौन है भाई डिस्टर्ब कर रहा? सर मम्मी का फोन है। चलो ठीक है, इसमें देखो अब जो है एक नई चीज पढ़ेंगे हम, फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन और एंगल, इंक्लाइंड प्लेन और एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। अब थोड़ा सा इंक्लाइंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस तरह की चीजें हैं यहाँ पर, जैसे एक पटरा है जो कि थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, जमीन से। बहुत ध्यान समझना, ये एंगल थीटा है। इसके बाद देखो, ये कोई ब्लॉक है जो कि रखा हुआ है, ठीक है। इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, रिएक्शन ऊपर की ओर काम करेगा, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन हमेशा। इस वजह से इसके कंपोनेंट जो है डिवाइड हो जाते हैं,
जैसे mg के दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर हो गया mg cos थीटा और एक इधर हो गया mg sin थीटा। यानी कि अब देखो होगा क्या, ये एंगल कहलाता है थीटा, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपल्स। देखो समझो mg के दो कंपोनेंट डिवाइड हो गए, mg cos थीटा ने r को बैलेंस कर लिया, यानी r इक्वल्स टू mg cos थीटा, बट mg sin थीटा जो है वो एक खुद के द्वारा लगाया गया फोर्स, यानी हम नहीं लगा रहे, उसका जो वेट है उसी का ही कंपोनेंट जो mg sin थीटा वो इस ऑब्जेक्ट को नीचे लाने की कोशिश करेगा। जो हम अपने आप नीचे ढलान पे चलने लगते हैं ना, वो क्यों चलने लगते हैं, वो इस कंपोनेंट की वजह से चलने लगते हैं, यानी mg sin थीटा की वजह से हम चलने लगते हैं। अब जैसे ही ये फोर्स अप्लाई होगा तुरंत एक अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स चालू हो जाएगा जिसको हम कहते हैं Fs। ठीक, तो यहां पर Fs इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg cos थीटा mg sin थीटा। जरा इसमें से इसको डिवाइड कर दो तो Fs अपॉन r क्या हो जाएगा, mg mg कैंसिल sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो कितना आ जाएगा ये tan थीटा s, tan थीटा s मतलब थीटा s। तो ये क्या है, इसको हम μs भी कहते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया एंगल ऑफ रिपल्स के दूसरे, मतलब इस तरीके से भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं। ये बात क्लियर है, और अगर काइनेटिक की बात कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा है, तो जो हमारा एफ के है सॉरी म्यू के है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट वो किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि काम करेंगे। अब जरा देखो पुलिंग और पुशिंग अ रोलर, पुलिंग और पुशिंग अ रोलर, चैप्टर लगभग खत्म है। शुभि एक काम करो, टॉपिक के बाद। हाँ सर, अदीप सर को जरा फोन करके पूछो क्लास है। अच्छा एक मिनट। चलो देखो, पुलिंग और पुशिंग और रोलर, जैसे कोई भी सरफेस है इसमें रोलर को खींचा जाता है, ये कोई रोलर है, ठीक है, खींचा जाने का मतलब कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा हमेशा, ऐसा नहीं लगता, हमेशा ऐसे लगता है रोलर पुल कर रही हूँ नॉर्मल की तरह। ये सेंटर पॉइंट है हमारा, ठीक है, और इसके बाद ये जो है क्रॉस सेक्शन, क्लियर, ये इस तरफ घूम रहा है, तो इसके जो है दो कंपोनेंट डिवाइड हो जाते हैं, एक होता है एफ एस एफ कॉस थीटा एफ सॉरी ये एंगल बनता है थीटा, इसको कहते हैं एफ नहीं सॉरी ये नहीं ये वाला एंगल बनता है थीटा, इसको कहते हैं एफ साइन थीटा, और इसको कहते हैं यहाँ पर एफ कॉस थीटा, और यही पर आर वन भी लगता है, आर वन मतलब रिएक्शन, क्योंकि दरअसल ये पुलिंग का केस है ना, इसीलिए इसको आर वन कहती है, अभी पुशिंग में आर टू कह देंगे, ठीक है, लेकिन इसका वेट कहाँ काम करता है एम जी। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगी, बनेगी ये कि ये देखो यहाँ पर दो फोर्स एक साथ हो जा रहे हैं, यानी आर वन और एफ कॉस थीटा इक्वल्स टू किसके हो जाएगा एम जी के, ये क्लियर है, और इधर यहाँ से आर वन की वैल्यू कितनी आ गई, आर वन इक्वल्स टू इक्वल्स एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। इसके बाद यहां से जो फ्रिक्शन काम करेगा हमारा ये अपोजिट में, ये हम कहलाते हैं एफ एस, ये किसके बराबर हो जाएगा एफ साइन थीटा के, नहीं सॉरी एफ साइन थीटा के नहीं, ये एफ एस हो जाएगा बराबर हो जाएगा ये
आर वन के, यानी कि म्यू एस आर वन, जितना रिएक्शन होता है उसी का तो डिपेंड करता है आर वन के, और आर वन की वैल्यू रख दो, आर के आर वन की वैल्यू कितनी है, एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, ये है पुलिन का केस। अब जरा देख लो पुशिंग का, पुशिंग का मतलब धक्का दे रहे हैं, धक्का देने से क्या हो जाएगा जरा देख, पुशिंग का केस है तो ये है हमारा, अब इसको हम धक्का दे रहे हैं, ठीक है धक्का दे रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, एफ साइन थीटा हो जाएगा और इधर नीचे की ओर फोर्स हो जाएगा, यानी एफ कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन आर हमेशा ऊपर ही काम करेगा जिसको हम कहते हैं आर, और नीचे वेट काम करेगा, और चूंकि जाएगा अब इधर घूमेगा इधर तो फ्रिक्शन इधर पहुंचेगा एफ एस, इस केस में क्या हो जाएगा, इसको एफ डैश एस कह लो, इस केस में क्या हो जाएगा हमारा कि अब देखो ये जो एफ कॉस थीटा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, यानी एफ कॉस थीटा और वेट मिलके आर टू को बैलेंस करेगा, यानी आर टू कॉस टू क्या हो जाएगा एम जी प्लस एफ कॉस थीटा, और इधर जो एफ डैश एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये म्यू एस आर टू हो जाएगा, और एफ डैश एस की वैल्यू म्यू एस और आर सर आपका माइक म्यूट है। हेलो सर आपका माइक म्यूट है। किसका? कुछ नहीं अभी माइक आपका म्यूट था वही बता रही। नहीं नहीं माइक नहीं म्यूट था, किसी कॉल आ रही, एक मिनट रुको जरा, कॉल हेलो हेलो परेशान हो गया यार, अभी फिर कॉल आई है, पता नहीं कहाँ से बोल रहा था, कह रहा था भैया विजयनगर सब्जी मंडी से बोल रहे, हमने कहा अभी बोलना है, बोलते भैया वो सब्जी का ठेला लगा, वो सब्जी की गाड़ी लगवानी होती वहाँ पर, गया परेशान हो गया। हाँ तो ये बताओगे कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल क्यों है? कोई भी बताएगा? फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग चल भी नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा, फ्रिक्शन के बिना कोई काम नहीं हो सकता, और वो शैतान भी है, शैतान इन द सेंस के जहां हमें नहीं चाहिए होता वहां पर भी होता है, हर चीज के दो पहलू होते हैं, वही मान लो इंजन है, इंजन चल रहा है, इंजन पे हम चाहते हैं कि पार्ट्स के बीच फ्रिक्शन ना काम करे, हम चाहते हैं कि उसमें कोई भी चीज है स्लाइडिंग वाली है किसी चीज में, मैकेनिकल इंजन में हम नहीं चाहते कि वो काम करे, ठीक है, लेकिन काम करना पड़ता है, इसी तरह रेजिस्टेंस भी है, जैसे सर्किट में रेजिस्टेंस बोलते हैं वो भी ऐसे ही है, ठीक है, चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते, उसका होना भी जरूरी है और नहीं होना भी जरूरी है, ठीक है।
ये चीज है इसमें। तो इसी वजह से क्योंकि डेली जो है, अब मैच स्टिक है, माचिस है, तो माचिस को भी हम खिस के ही उसको जो है जला सकते हैं, ठीक है। नट बोल्ड है, ठीक है, अब वो जब तक उसमें जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा तब तक वो होल्ड नहीं कर सकता। पर अगर तुमने नट लगाया, ठीक है, फ्रिक्शन लेस है वो, तो पहला थोड़ी देर बाद खुल गया अपने आप। ये चीज है, एक मिनट, प्रदीप सर की जो है मैसेज आया है। शुभी बेटा, मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, मैथ की क्लास में आ जाओ तुरंत, ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ अभी तुरंत, सर बुला रहे हैं, ठीक है, ठीक, और आज के लिए इतना ही गुनगुन, ठीक है, इसको पढ़ लेना, मैं वीडियो वगैरह भेज दूंगा।